गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका काव्यखंड का पार्ट चार, जिसका नाम है आत्मकथन। ठीक है, क्लास है आपकी 10th क्लास, विषय है आपका हिंदी, और आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है पार्ट चार आत्मकथन। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये पार्ट है वो आपका काव्यखंड से लिया गया है। पहले भी आपको ये बताया गया है कि आपकी जो चतुष पुस्तक है, बुक है, उसमें दो खंड दिए गए हैं, एक है गद्यखंड और दूसरा है काव्यखंड। ठीक है, तो जो आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो काव्यखंड का 4th चैप्टर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो कि क्षितिज बुक से लिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें कि इस पार्ट के या इस कविता के, क्योंकि ये काव्यखंड का पार्ट है तो ये एक कविता है, तो इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीजें करनी होती है जो आप हमेशा हर चैप्टर में अभी तक करते आए हो। सबसे पहली चीज आपको करनी है शब्द अर्थ, जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, सिर्फ आपको अपनी कॉपी में नोट आउट करना है। ठीक है, और अगर बहुत सारे शब्द अर्थ है तो आपको सिर्फ वन पेज, मतलब आपका जो कॉपी का आपके रजिस्टर का पेज है उसको पूरा एक पेज आपको उसको नोट डाउन करना है। और सेकेंड होमवर्क जो आपको करना है वो है जीवन परिचय। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद जी, तो आप जीवन परिचय किसका लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का। अब जो आपकी बुक में है पेज नंबर 26 पर जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपको जीवन परिचय यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आपको ये पूरा पैराग्राफ वाइज दिया गया है और आपको पैराग्राफ वाइज नोट डाउन नहीं करना है। आपको जो यहाँ पर मैम ने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि जन्म, मृत्यु और दो रचना, केवल ये तीन टॉपिक जो है वो आपको लिखने हैं जीवन परिचय के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन से लिखते हैं? जन्म, मृत्यु और दो रचनाएं ही लिखनी है आपको जीवन परिचय में। ठीक है, तो आप इतना आज कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पार्ट का सारांश समझाएंगे और बताएंगे। नोट डाउन कीजिए बेटा।